ओके फ्रेंड, तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ओप्पो के किसी भी मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है, कांट इंस्टॉल व्हाट्सएप मैसेंजर, कांट डाउनलोड फेसबुक मैसेंजर। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उसे फिक्स कैसे करेंगे। देखिए, मेरे फ़ोन में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था, पर फाइनली मैंने उससे जो है वो फिक्स कर लिया है। और अब कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर बेसिकली एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाता है। तो इसे फिक्स करने के लिए सेटिंग एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, फिर नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा और ऐप्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर फर्स्ट नंबर पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और प्ले स्टोर एप्लीकेशन ढूंढकर उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, एक और तरीके से डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो प्ले स्टोर एप्लीकेशन को टैप करके होल्ड कीजिएगा, फिर एक पॉपअप आएगा लेफ्ट साइड में, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और आप सेम पेज पे आ जाओगे। मिडल में फोर्स स्टॉप का ऑप्शन रहेगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद नीचे से एक पॉपअप आएगा और फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ स्टोरेज यूसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कैच डेटा को बेसिकली क्लियर कर देना है। उसके बाद क्लियर डाटा पर क्लिक करते ही नीचे से एक पॉपअप आएगा, राइट साइड में डिलीट का ऑप्शन रहेगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इतना कुछ करने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिएगा। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा तो प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा और आप जो भी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ओप्पो के किसी भी मोबाइल में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इन्हीं कुछ स्टेप्स की मदद से आप उसे फिक्स कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।